तो यार आप सभी का स्वागत है ब्लैक ब्लू गेमिंग में, और आज माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में हम कुछ नया करने वाले हैं। और उससे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन के बाद मैं बताऊंगा जो भी चीजें मैं वहां से लाया था उनका क्या यूज है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं क्वेश्चन के जो बोर्ड है उनको लगाए हुए। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आया है वो है MD साहिल का। तो सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूँ। तो इनका क्वेश्चन है कि भाई ये अलग तरीके से कैसे स्विम करते, लगता है एकदम लेट गया और वन ब्लॉक से निकल जाता है, प्लीज टेल। यार देखो, अगर आप ऐसे स्विम करना चाहते हो तो जो आप ये आगे पीछे करने का बटन देख रहे हो, तो जब आप इसको डबल क्लिक करोगे तो आप स्प्रिंट करते हो, तो ऐसे ही आप पानी में भी स्प्रिंट कर सकते हो। आपको जो यहाँ पर ऊपर नीचे जाने के बटन दिखते हैं उनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है पानी के अंदर, बस आपको ऐसे स्प्रिंट करना है। और उसके बाद जो ये वाले ऑप्शन होते हैं, मतलब ये वाली स्क्रीन को रोटेशन करने का ऑप्शन होता है, तो यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो और इस तरीके से आप पानी के अंदर और बाहर जा सकते हो। और अगला जो क्वेश्चन है वो है सम डिफरेंट गेमिंग का, कि कॉन्डुइट जमीन पर मॉब को मारता है क्या। तो यार देखो, अगर आप जमीन के मॉब को मारना चाहते हो, जैसे ज़ोंबी है और जो बाकी के मॉब है उनको मारना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक अलग तरीके से बनाना पड़ेगा कॉन्डुइट। तो पहले मैं नाम लिख देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे बनाना है। तो यार देखो, उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको पूरा स्ट्रक्चर बना लेना है, जो तीन रिंग होती है वो तीन रिंग बना लेनी है। उसके बाद चारों तरफ से ढक के उसके अंदर पानी भर देना, और पानी भरने के बाद उसमें जो कॉन्ड्यूट है वो लगा देना है। तो जैसे ही वो एक्टिवेट होगा, उसके आसपास का जो भी एरिया होगा वो भी वो कवर कर लेगा, चाहे वो पानी के अंदर हो या बाहर हो। तो इसलिए चाहो तो आप उसको ज़मीन पर भी बना सकते हो, बस आपको उसके अंदर पानी भरना पड़ेगा पूरा स्ट्रक्चर बनाने के बाद। तो वो भी मैं बनाऊँगा, लेकिन अभी नहीं बनाऊँगा, क्योंकि अभी मैं बात करने वाला हूँ जो मैं वहाँ से चीज़ें लाया था उसके बारे में, जो कि सबसे पहले है स्पंज है, जो कि वहाँ से मुझे मिले थे, वेट स्पंज मिले थे, और जो क्रिस्टल मिले थे, इन क्रिस्टल का भी यूज़ बता देता हूँ। तो क्रिस्टल और जो शेड देख रहे हो, इन दोनों का एक यूज़ होता है। तो होता क्या है कि जब आपके पास शेड होता है तो शेड से आप पैसे बना सकते हो, चीज़ें मतलब ब्लॉक बना सकते हो, जो वहाँ से प्रिज्मरीन ब्लॉक मिलते हैं वो बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास क्रिस्टल भी है तो क्रिस्टल से आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो, जो लाइट होती है वो बना सकते हो। बस आपको बीच में चारों तरफ ऐसे रखना है क्रिस्टल को, और चारों तरफ शेड रख देनी है, तो इससे आपको मिल जाएगा एक जो सी लाइट है ना वो मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है जो पानी के अंदर उजाला करती है। तो चलिए एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए, इसको कुछ इस तरीके से लगा सकते हो और ये काफ़ी अच्छा उजाला करता है अगर आप इसको यूज़ करते हो। और अब बात कर लेते हैं स्पंज के बारे में, जो कि एक ब्लॉक होता है। और आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी सुनाई दे रही होगी, क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी ख़राब है, इसलिए आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सुनाई दे रही होगी। तो एक ब्लॉक होता है जिसको आप कैसे भी तोड़ सकते हो, जैसे चाहो वैसे तोड़ सकते हो कुछ इस तरीके से। लेकिन ये अभी वेट स्पंज है, मतलब पानी से भरा हुआ स्पंज है, और इसको अभी यूज़ नहीं कर सकते जब तक इसको हम ड्राई स्पंज नहीं बना देते। तो ड्राई स्पंज बनाने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा फर्नेस पे, और फर्नेस पे हमें इसको रखना पड़ेगा यहाँ पर इस तरीके से, कोई भी फ्यूल लगा देना नीचे। तो इससे आपको मिल जाएगा जो स्पंज होता है, जो ड्राई स्पंज होता है वो मिल जाएगा। और अब मैं बताऊँगा इसका यूज़ क्या है, कि इसका यूज़ क्या होता है। ओके, तो मेरे पास दो स्पंज हो गए हैं, और जो इसका टेक्सचर है वो भी काफ़ी बदल गया है, जो पहले वाला था उससे काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। तो ये वाले जो है ये ड्राई है, और जो वेट है, वेट मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाले वेट है, ये थोड़े डार्क दिखेंगे आपको, इसमें साफ साफ दिख जाएगा कि इसमें पानी है। तो अब मैं बता देता हूँ कि इनसे होता क्या है, कि जैसे आपको कोई पानी दिखता है सामने, मतलब रिवर है या ओशन है, वहाँ से आपको पानी हटाना है। मतलब सोच लो कि आपको घर बनाना है पानी के अंदर, तो आपको वहाँ से पानी हटाना है, जैसे कि ये वाला गड्ढा है तो मुझे यहाँ से पानी हटाना है। तो आपको करना क्या होगा, आपको सिर्फ स्पंज रख देना है, जैसे मैं कहीं और करके दिखा देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, जैसे कि मान लो ये पानी है, तो मैं यहाँ पर स्पंज रख देता हूँ। तो देखिए, जैसे स्पंज रखा, जो आसपास का पानी वो सारा ख़त्म हो गया है। तो ऐसे अगर आप इसको पानी के अंदर यूज़ करते हो, मतलब पानी के अंदर लगाते हो बिल्कुल, तो जो आसपास का पानी होगा वो सारे सोख लेगा, और उसके बाद आप अपना घर बना सकते हो पानी के अंदर, अगर आप बनाना चाहते हो। तो यही यूज़ होता है स्पंज का, उसके अलावा आप डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो इसको। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, और मैं सोच रहा था कि मैं एक चीज़ और बना लूँ क्या, स्पॉन कर लूँ, क्योंकि मेरे पास जो विलेदर है उनके लिए मैं एक सुरक्षा कवच बना लूँ, मतलब इनके लिए रक्षा करने के लिए कुछ बना लूँ। तो चलिए, उसके लिए पहले मैं एक जाइंट बना लेता हूँ, जो कि आयरन से बनता है, और वो एक गोलिम होता है। तो गोलिम बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्राफ्टिंग टेबल पे जाना है, और जो मुझे गोल्ड मिला था उससे आपको ब्लॉक बना लेने हैं, वो भी आपको चार ब्लॉक चाहिए। तो तीन हमारे पास बन गए हैं, बस हमें एक ब्लॉक और चाहिए। तो देख लेते एक बार हमारे पास कि हमारे पास और गोल्ड है कि नहीं, सॉरी गोल्ड नहीं, आयरन।
ओके, तो आयरन हमारे पास वैसे काफ़ी सारा है, तो एक ब्लॉक और चाहिए, तो चार ब्लॉक हो गए हमारे पास आयरन के। और अब हमें एक चीज़ और चाहिए जो कि है एक पम्पकिन, क्योंकि जब हम पम्पकिन को यूज़ करते हैं तो उसी से हम स्पॉन करते हैं स्नो गोलिम होता है जो जाइंट होता है, तो इन्हें बनाने के लिए हमें पम्पकिन की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो पम्पकिन ले लेते हैं और एक पम्पकिन की ज़रूरत पड़ेगी बस हमें। तो करना क्या है अभी हमें, हम जाएंगे सीधे विलेदर के पास क्योंकि उन्हीं के पास मैं बनाऊंगा, मतलब इसको स्पॉन करूंगा। ओके, तो मैं इसको यहाँ स्पॉन करूंगा, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ये थोड़ी रक्षा करता है, मतलब थोड़े सेफ रहेंगे जो हमारे विलेजर है। तो करना क्या है आपको, कुछ इस तरीके का बनाना है टी, और उसके बाद जो पम्पकिन है पम्पकिन को ऊपर रख देना है। ओके, तो फाइनली हमारा जो जाइंट है वो बन गया है, और जब हम इसको मारेंगे तो इससे हमें गोल्ड मिलेगा, सॉरी आयरन मिलेगा। तो हमारा जो जाइंट है वो बन गया है, मतलब जाइंट गोलिम है वो बन गया है, और ये थोड़ी हेल्प करेगा मतलब लोगों की। और ये इसलिए इधर उधर फुदक रहा है क्योंकि मैंने एक बंद करके रखा हुआ है ये रहा, तो इसे मैं निकाल दूँ तो ये फुदकना बंद कर देगा। तो चलिए इसको तो निकाल देते हैं क्योंकि ये रक्षा करता है, और ऐसे अगर मैं किसी को बंद करूँगा तो ये ऐसे ही करता रहेगा जब तक ये निकल ना जाए। तो अभी जब सुबह होगी तो ये निकलेगा और इसका फुदकना बंद हो जाएगा। तो अभी हम एक चीज़ और करने वाले हैं जो काफ़ी ख़ास चीज़ है, क्योंकि हम जाने वाले हैं नैदर में, जो नैदर फोर्ट्रेस है उसके अंदर जाना है हमें। तो अभी करना क्या है, हमें थोड़ा खाना भी बनाना पड़ेगा, और जो हमारे पास पटैटो है थोड़े हम पटैटो बनाएंगे, क्योंकि जो पटैटो होते हैं उससे जो हमारी हेल्थ होती है वो काफ़ी जल्दी बढ़ती है। तो करेंगे क्या है, थोड़े पटैटो और इकट्ठे कर लेंगे। ओके, तो ये वाला जो पटैटो ये पॉइजनस पटैटो, तो इसको तो पका नहीं सकते, बाकी के पटैटो पकेंगे। तो अभी करना क्या है हमें, हमें एक पोशन चाहिए जो कि होगी इनविजिबल पोशन, और साथ ही हम नाइट विजन पोशन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि रात में मैं पोशन को यूज़ करूँगा, और साथ ही मैं इनविजिबल पोशन को भी बताऊँगा कि कैसे यूज़ करते हैं। वैसे तो जो मैं पोशन वहाँ पर लेके गया था वो मेरे पास अभी भी रखी हुई है। ओके, तो ये रही पोशन इनविजिबल की। तो अगर किसी को नहीं पता कि इनविजिबल की पोशन कैसे बनती है, तो उसके लिए करना क्या होता है कि आपको जो नाइट विजन की पोशन होती है उस पोशन में आपको एक फर्मेंटेड आई मिलानी पड़ती है, और फर्मेंटेड आई बनाने के लिए आपको एक स्पाइडर आई चाहिए होती है, और एक चाहिए होती है सुगर, और साथ ही आपको चाहिए होती है मशरूम, जो ब्राउन मशरूम होती है। तो फर्मेंटेड आई बनाने के लिए आपको क्राफ्टिंग टेबल पे जाना है और इस तरीके से रखना है, जैसे चाहो वैसे रख सकते हो, तो इससे आपको फर्मेंटेड आई मिल जाएगी। और इसी से हम बनाने वाले हैं जो इनविजिबल पोशन है वो बनाने वाले हैं। तो अब दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, हमें एक नाइट विजन की पोशन चाहिए जो कि बनती है कैरेट से। और करना क्या है कि जो हमारे पास पोशन का बेस बना हुआ है उसमें बस हमें कैरेट मिला लेनी है, तो इससे हमें नाइट विजन की पोशन मिल जाएगी। तो अब एक मिला देते हैं इसमें रेडस्टोन, और इससे मुझे मिल जाएगी नाइट विजन की पोशन। और नाइट विजन पोशन बनने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक मिला देना है जो फर्मेंटेड स्पाइडर आई है वो मिला देनी है। ओके, तो जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है वो 8 मिनट की हो गई है, तो अब हमें इसमें एक फर्मेंटेड आई मिला देनी है, तो इससे हमें नाइट विजन की पोशन, सॉरी इनविजिबल की पोशन मिल जाएगी। तो चलते हैं नेदर की तरफ और देखते हैं कि हमें कितना खजाना मिलेगा। वैसे तो वहाँ का जो खजाना वो थोड़ा बहुत तो मैं ले आया था, लेकिन अभी काफ़ी सारा खजाना बचा हुआ है जो मैं अभी नहीं लाया हूँ। तो पहले पटेटो ले लेता हूँ, और थोड़े कम पटेटो ले जाऊँगा क्योंकि जो इससे हेल्थ होती है वो काफ़ी जल्दी बढ़ती है। और इसको मैं यहाँ रखूँगा जो एंडर चेस्ट है, क्योंकि अंदर भी खुलेगा। और मैं सोच रहा था कि जो अंदर वाला है जो अंदर से ही खुलता है, तो वहाँ मैं ऑब्सीडियन से इसको कवर कर दूँ, लेकिन इतने ऑब्सीडियन मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं इसको कबलस्टोन से कवर करूँगा, जो बाद में करूँगा, अभी तो मैं नहीं करूँगा। तो अभी करेंगे क्या, अभी हमें जाना है। ओके, तो किस तरफ जाना, हाँ इस तरफ जाना है हमें, तो इस तरफ जाना है हमें। और सबसे पहले हम एक नाइट विजन की पोशन यूज़ करेंगे, और उसके बाद इनविजिबल यूज़ करेंगे जब हमें कोई ख़तरा दिखेगा सामने। तो चलते हैं सामने और देखते हैं कि हमें यहाँ कोई वेदर ना मिल जाए, क्योंकि अगर वो मिल गया तो वो अटैक करना शुरू कर देगा। ओके, तो सामने क्या है, ओके तो सामने एक ब्लेज भी है, और ब्लेज हम पर अटैक कर सकता है, तो सबसे पहले पोशन ले लेते हैं। तो जब भी आप नाइट विजन को यूज़ करते हो और जो नेदर के अंदर होते हैं, तो सब कुछ आपको रेड रेड दिखेगा, ये पता नहीं क्यों होता है, बस आपको नाइट विजन जो यूज़ करोगे वो आपको रेड ही दिखेगा अगर आप नेदर में यूज़ करते हो। तो मैंने नाइट विजन ले लिया और इनविजिबल ले लिया, और देखिए सामने से जा रहे हैं जो हमारे मेन दुश्मन है वो है ये रहा। तो ये अभी हमें देख तो सकता नहीं है बिल्कुल भी,
बस मैं अगर इस पर थोड़ा सा अटैक कर दूँ तो ये मुझ पर अटैक करना शुरू कर देगा। ओके, तो इग्नोर कर रहा है मुझे, कोई नहीं, मैं इसको देखूँगा बाद में, अभी तो देखना नहीं है मुझे, इसे खजाना ढूँढना है फटाफट से। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कहाँ हमें खजाना मिलेगा। ओके, तो इस तरफ कुछ नहीं, इस तरफ ब्लेज है, और इस तरफ देखते कि इस तरफ क्या मिलेगा हमें। ओके, तो बंद है इस तरफ से, तो इसे भी मार देते नहीं तो परेशान करेंगे। तो चलते हैं नीचे और सामने ही देखो फिर से एक विदर खड़ा है। इनसे तो हम बाद में पंगा लेंगे क्योंकि अभी हमारे पास लूटिंग थ्री की तलवार नहीं है, सिंपल एक नॉर्मल तलवार है। और सामने एक स्पोनर है जो ब्लेज है, ब्लेज का स्पोनर है। तो किस तरफ जाए, उस तरफ से तो उतर के आए हम। ओके, तो खजाना हमें मिला है, थोड़ा बहुत तो मिला है। ओके, तो ये खाली है, मतलब यहाँ मैं पहले आ चुका था, तो जो पिछली बार मैं खजाना लेके गया था मैं यहीं से लेके गया था शायद, और अगले वाला देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ तो बड़े बड़े मैग्मा क्यूब है और इनको मैं मारूँगा तो इनमें से छोटे छोटे मैग्मा क्यूब जो निकलेंगे वो मुझे देख लेंगे। और सामने भी एक और खजाना है तो इसमें से देख लेते हैं इसमें से क्या निकलेगा। ओके, तो हमें एक तलवार मिली है और थोड़ा बहुत गोल्ड का सामान मिला है, और साथ ही हमें एक हॉर्स आर्मर मिला जो कि गोल्ड का है। ओके, तो इस तरफ मैं आया था शायद, नहीं इस तरफ नहीं आया था। ओके, तो यहाँ पर नेदर वोट की खेती है, अगर आपको नहीं मिल रहा है नेदर वोट तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, जो नेदर वोट की खेती है तो बड़ी आसानी से मिल जाती है अगर आपको ट्रेजर में से नहीं मिल रहा। और सामने भी एक और ट्रेजर है तो इसमें देख लेते हैं इसमें कुछ मिल जाए। ओके, तो इसमें भी लेदर का थोड़ा सामान है, सॉरी लेदर नहीं, गोल्ड का सामान है। तो अभी हमारे पास 2 मिनट और बची है, और जब भी 1 मिनट होगी हमें यहाँ से निकलना होगा, और फटाफट से रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा हमें निकलने के लिए। ठीक है, तो रास्ता तो मुझे मिल गया है, बस यही है, ये रहा रास्ता। तो थोड़ा बाहर भी देख लेते हैं, बाहर से अगर कुछ मिल जाए, ऐसे तो बाहर से तो कुछ मिलने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर एक, ओके, तो ये खड़ा हुआ है, तो मैं सोच रहा था कि एक बार क्यों ना इसको ही मार दूँ। तो मारने के लिए मुझे 3 ब्लॉक का बनाना पड़ेगा जो भी है। ओके, तो इसी के पास बनाना पड़ेगा। तो मार तो दिया है, ओ शिट, इसने अटैक किया है मुझ पे। तो ओके, तो मार दिया है हमने, वैसे किसी ने देखा तो नहीं है मुझे। ओके, तो मार तो दिया है लेकिन बच गए हम, बड़ी मुश्किल से बचे हैं। तो सामने एक स्केलेटन खड़ा है, स्केलेटन ये क्या है। ओके, तो वेदर खड़ा हुआ है और वो इधर ही आ रहा है वेदर, और खाना भी खाना पड़ेगा थोड़ा। तो नाइट विजन की एक और, ओके, तो इनविजिबल की हमारे पास एक और है तो इसका यूज़ करेंगे, और इनविजिबल की एक और ले लिया मैंने, तो बढ़िया है, हमने एक जो वेदर है उसको मार दिया है। वैसे तो कुछ मिला नहीं है उससे, और इससे भी नहीं मिलेगा मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास जो तलवार है वो लूटिंग थ्री की नहीं है, और जब लूटिंग थ्री की होती तो मुझे इसका स्केलेटन हेड मिल जाता जो काफ़ी अच्छी बात होती। तो करेंगे क्या, अभी हमें जाना पड़ेगा अपने घर की तरफ, और खजाना वजाना तो हमें मिला नहीं है कुछ भी, कुछ इतना खास मिला नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो यार लाइक कर देना, और अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और नीचे एक ब्लेज है, तो सोच रहा था मैं इसको भी मार दूँ, चलिए एक बार मार ही देता हूँ इसको, वैसे आसपास कोई है तो नहीं। ओके, तो एक ब्लेज है तो मार ही देते इसको फटाफट से। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए गेमिंग एपिसोड में।